नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेलिसिस. सो व्हाट इज कैटेलिसिस? तो देखिए, कैटेलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन का रेट ऑल्टर करते हैं या चेंज करते हैं. बट इन कैटेलिस्ट के केमिकल कंपोजिशन में या मास में कोई भी चेंज नहीं होता है रिएक्शन के वक्त. ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कैटेलिस्ट. सो कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स और चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास and chemical composition during the reaction. And this phenomenon is known as catalysis. इसी को हम क्या कहते हैं? Catalysis कहते हैं. तो देखिए, एक example के तौर पर देखते हैं. For example, when ammonia gas is manufactured by using hydrogen and nitrogen, so here we use iron as a catalyst. Iron is used as a कैटलिस्ट. तो ये यहाँ पे क्या करता है? रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ाता है. अब इसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रमोटर्स एंड द पॉइजंस. तो क्या होते हैं ये सब्सटेंसेस? देखिए, प्रमोटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी एनहांस करते हैं. प्रमोटर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. And poisons are those substances that inhibit or decrease the activity of catalyst. Poison क्या करते हैं? Catalyst की जो activity है उसको कम करते हैं, और promoters catalyst की activity को बढ़ाते हैं. तो चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे catalysis के types. What are the different types of the catalysis? So our first type is होमोजीनियस कैटेलिसिस. हमारा पहला टाइप है होमोजीनियस कैटेलिसिस. देखिए, जब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट का फेज सेम हो, मतलब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट चाहे दोनों भी लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, तो ऐसे टाइप के कैटेलिसिस को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस. देखिए, क्या कहा मैंने? व्हेन रिएक्टेंट and catalyst, when the reactant and the catalyst are in the same phase, वो दोनों भी लिक्विड होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए या गैस होने चाहिए, तो ऐसे कैटेलिसिस को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस. होमोजीनियस कैटेलिसिस, कैटेलिसिस. ओके, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when SO2 gas is oxidized, then it forms SO3 gas, that is the sulfur trioxide, and here the catalyst which is used is the NO, nitric oxide. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे reactants है और जो हमारा catalyst है वो same phase में है, तो ऐसे catalysis को हम कहते हैं homogeneous catalysis. अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कैटेलिसिस का, हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस. हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस, व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटेलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज, देन द कैटेलिसिस इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस. क्या कहा मैंने? जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में अगर होंगे, तो ऐसे कैटलिसिस को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिसिस. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया. जो रिएक्शन अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी वो इसी कैटलिसिस का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि जो हमारे दोनों रिएक्टेंट है वो गैसेस है, लेकिन जो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, दैट इज इन द सॉलिड फेज. दिस प्रोसेस वी नो, इट इज नोन एज द हेबर्स प्रोसेस, राइट? अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. So this is the second type of catalysis, that is the heterogeneous catalysis. Next type of catalysis is the positive catalysis. Now see, there are some substances which
when added to a reaction, they increase the rate of reaction. कुछ foreign substances जब हम reaction में डालते हैं तो वो reaction की rate बढ़ाते हैं, तो ऐसे substances को हम कहते हैं positive catalyst और ऐसे catalysis को कहते हैं positive catalysis. जैसे देखिए, for example, decomposition of KClO3. Decomposition of KClO3, that is the potassium chlorate. When potassium chlorate decomposes, it forms KCl and O2, and this reaction can be enhanced or increased. Rate of this reaction can be increased by adding MnO2, that is the manganese dioxide. So here manganese dioxide is said to be a positive catalyst. Then next type of catalysis is the negative catalysis. तो देखिए, नेगेटिव कैटालिसिस में क्या होता है, जब कोई हम एक ऐसा सब्सटेंस रिएक्शन में ऐड करेंगे जो हमारे रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा या रिटार्ड करेगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट, एंड सच टाइप ऑफ कैटालिसिस इज नोन एज नेगेटिव कैटालिसिस. जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड. When benzaldehyde is oxidized, it gets converted into benzoic acid. C6H5CHO is the formula for benzaldehyde. When you will oxidize it, it will get converted into the benzoic acid, but the rate of this reaction can be retarded or decreased if diphenylamine is added to the reaction mixture. अगर इसमें आप डाइफिनाइल अमाइन डाल दोगे तो वो इस रिएक्शन के रेट को कम करेगा या डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे डाइफिनाइल अमाइन क्या हो गया, वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट है. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटलिसिस इज ऑटो कैटलिसिस. देखिए, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है. In some reactions, one of the product act as a catalyst. See what happens initially when the reaction is slow or when the rate of reaction is slow and the product begins to start, then as the concentration of that product will increase, the reaction rate increases, and this phenomenon is called as autocatalysis. And that product is called as a autocatalyst. उसको हम क्या कहते हैं, autocatalyst. क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर से externally कोई भी catalyst add नहीं किया है. वो reaction जब होती है तो कोई एक particular product ही catalyst का काम करता है. तो ऐसे reaction को या ऐसे catalysis को हम कहेंगे autocatalysis, और उस product को हम कहते हैं autocatalyst. तो देखिए, जैसे एक example देखते हैं. For example, rate of oxidation of oxalic acid by acidified KMnO4 increases as the reaction progresses. ठीक है, अगर हम oxalic acid का oxidation करेंगे by adding the acidified KMnO4, तो इस reaction का rate बढ़ता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होती है. मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रेट भी बढ़ता है. तो ये ऐसा क्यों होता है, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ ions दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. तो जैसे ये Mn2+ ions का फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है. तो यहाँ पे Mn2+ ion ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करती है. तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होते हैं, MnSO4, K2SO4, CO2 एंड H2O. सो हियर द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और आई कैन से दैट Mn2+ एक्ट्स एज ए ऑटो कैटलिस्ट. अब हमें इसके बाद देखना है मैकेनिज्म ऑफ द होमोजीनियस कैटालिसिस एंड द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. हमें इन दो कैटालिसिस के मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द होमोजीनियस कैटालिसिस. तो इस मैकेनिज्म को
और एक नाम है, क्या नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियोरी। तो इस थियोरी के मुताबिक क्या होता है, जब एक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, और फिर इसी प्रोसेस में जो हमारा कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट्स है, ए एंड बी, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट ए बी, और जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है वो डी है, लेट अस से। तो देखिए ये इस थियरी के मुताबिक ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले ए और डी रिएक्ट करेंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे ए डी। सो हियर दिस ए डी इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट कंपाउंड। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड विल रिएक्ट विथ बी। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये क्या करेगा, बी के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और जो कैटलिस्ट था वो वापस रीजनरेट हो गया। तो देखिए इसका हमारे पास और एक एग्जांपल है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ द SO2 गैस, SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO फॉर्म्स SO3, राइट। तो देखिए ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, यस। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में होती है दो स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस O2 विल रिएक्ट विथ NO टू फॉर्म NO2, टू फॉर्म NO2। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस NO2, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन इन द सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन, दिस NO2 विल रिएक्ट विथ SO2 टू फॉर्म SO3 एंड NO एंड NO। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो NO2 है ये क्या हमारे रिएक्शन में है, कहीं पे नहीं है। तो ये जो NO2 है ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो अनस्टेबल होगा ऑब्वियसली, और ये डिकम्पोज हो जाएगा या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कैटलिस्ट है वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा। देखिए अगर हम इस रिएक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होएगा, देखिए ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, ट्वाइस NO भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा पीछे, O2 प्लस ट्वाइस SO2 गिविंग ट्वाइस SO3, और यही तो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन थी, यस और नो, ओके। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द होमोजीनियस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, तो देखिए ये मैकेनिज्म जो है एडजॉर्प्शन थियोरी के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एडजॉर्प्शन थियोरी ऑफ द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी देर आर 5 स्टेप्स इन दिस मैकेनिज्म। देखिए क्या है वो स्टेप्स, पहली स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सर्फेस, सेकेंड स्टेप इज द एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सर्फेस, मतलब पहले तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, डिफ्यूज होंगे, फिर उसके बाद उस कैटलिस्ट सर्फेस पे एड्सॉर्ब किए जाएंगे, एड्सॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन होगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कैटलिस्ट सर्फेस के ऊपर। एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया फिर होगी फोर्थ स्टेप, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सर्फेस, कैटलिस्ट सर्फेस के ऊपर से अब ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स डिसॉर्ब होने वाले हैं, मतलब अब ये उस सर्फेस को छोड़ के जाएंगे, एंड द लास्ट स्टेप विल बी द डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सर्फेस, अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सर्फेस। तो देखिए हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में दरअसल होता क्या है, जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ना, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके पास होती है फ्री वैलेंसीज। इस फ्री वैलेंसीज के बारे में हम शुरुआत में भी पढ़ चुके हैं, राइट,
तो देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, लेट अस से ए एंड बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली दिस इज अ कैटलिस्ट दैट हैज फ्री वैलेंसीज. तो इन फ्री वैलेंसीज के मदद से ही क्या होने वाला है, जो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ए और बी, ये अब इस कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे. तो देखिए एड्सॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट. सो दिस इज बेसिकली द इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट है. अब इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. देन आफ्टर दैट व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस द कैटलिस्ट सरफेस विल लुक समथिंग लाइक दिस. देखिए अब ये ऐसे दिखेगा, ये है ए और ये है बी. अब इसके बाद होगी लास्ट स्टेप, दैट इज़ द डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. अब जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन गया है वो अब इस कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देगा और एस्केप कर जाएगा. तो अब क्या बनेगा, देखिए अब ये होगा हमारा कैटलिस्ट, दिस इज अवर कैटलिस्ट, राइट. अच्छा यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा बन गया. देखिए ये होगा हमारा कैटलिस्ट का सरफेस और यहाँ पे बनेगा हमारा प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल. सो दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर कैटलिस्ट. नाउ यू कैन सी द कैटलिस्ट अगेन हैज़ फ्री वैलेंसीज. तो ये कैटलिस्ट हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, मतलब फिर से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और डिसॉर्ब हो जाएंगे. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द हेटेरोजीनियस कैटलिसिस. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट्स. जो सॉलिड कैटलिस्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट्स. द फर्स्ट फीचर इज एक्टिविटी, पहला फीचर है एक्टिविटी. देखिए एक्टिविटी ऑफ एनी कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एड्सॉर्प्शन. एक्टिविटी ऑफ, क्या कहा मैंने, एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ और द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. देखिए अगर किसी कैटलिस्ट को हमें एक्टिव करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स उस कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब होने चाहिए अच्छे से, दैट इज स्ट्रांगली. रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एड्सॉर्ब्ड स्ट्रांगली सो दैट द कैटलिस्ट बिकम्स एक्टिव. बट द रिएक्टेंट्स शुड नॉट गेट एड्सॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट द कैटलिस्ट गेट्स इमोबिलाइज्ड. क्या कहा मैंने, ये जो रिएक्टेंट्स है ये इतने भी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं होने चाहिए कि वो कैटलिस्ट को इमोबिलाइज कर दे, वो खुद इमोबिलाइज हो जाए. मतलब इतने स्ट्रांगली भी ये मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब नहीं होने चाहिए कि बाद में जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये उस सरफेस को छोड़ नहीं पाए. अगर ये जाएंगे नहीं, अगर ये मॉलिक्यूल्स एक बार जब प्रोडक्ट बना देंगे, अगर ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स जाएंगे नहीं उस सरफेस को छोड़ के, तो नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे और उस सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर, दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. एंड द सेकेंड फीचर इज़ द स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैटलिस्ट. देखिए स्पेसिफिसिटी मतलब क्या, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स है तो ये रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट. बट कोई रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल फॉर्म्स मीथेन एंड H2O. बट दिस सेम रिएक्टेंट्स दैट इज CO एंड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर फॉर्म्स फॉर्मल्डिहाइड. तो यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो कैटलिस्ट है ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर में,
Even if you are keeping the same reaction conditions, the products which are formed, they can be different depending upon the catalyst which is used. And we have seen one example of that also.